वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे मसाला आलू फ्राई। मसाला आलू फ्राई खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 400 ग्राम छोटे साइज़ के आलू को मैंने 3 से 4 टुकड़ों में इस तरह से मोटे मोटे पीस में छिलका निकाल के काट लिया है। पहले स्टेप में हम आलू को बॉयल करेंगे। गर्म पानी में 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक डालेंगे और इसे पानी के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें कटे हुए आलू को डालेंगे। आलू को भी हम हल्का सा पानी के साथ इस तरह से चला लेंगे। अब इसे 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे। 5-6 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे और आलू को चेक कर लेंगे। आलू कुछ इस तरह से बॉयल होगा, साइड से जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा और बीच में इस तरह से वाइट रहेगा। अब इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे और पानी को ड्रेन करेंगे। अब हम आलू को ठंडा होने के लिए कम से कम 15-20 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। और इसके लिए स्टेप 2 में हम मसाले को तैयार करेंगे। गरम पैन पे साबुत धनिया डालेंगे 2 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, जीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, सूखी हुई लाल मिर्च 2 छोटी इलायची। अब सारे चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। करछी को हम लगातार चलाते रहेंगे और मसाला हल्का सा कलर आने तक भूनेंगे। और इसमें से जब अच्छे से खुशबू आने लगे तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मसाला जब हाथ लगाने जैसा ठंडा हो जाए तब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। ये मसाला बनने में बहुत ही कम समय लगता है। अब जार को बंद करेंगे और बस कुछ ही सेकेंड इसे पीस लेंगे। मसाले को हमें दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर आप इसे ना बनाएं। देखिए बिल्कुल इस तरह से दरदरा मसाला हमें चाहिए। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। एक आलू को मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल आलू इस तरह से बॉयल होना चाहिए। अब फाइनल स्टेप में हम आलू को फ्राई करेंगे। गर्म पैन पर 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सरसों, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और करी पत्ता डालेंगे 15-20। करी पत्ता ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम बॉयल किया हुआ आलू को डालेंगे और आलू के साथ सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएँगे और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 1-1.5 मिनट के बाद आलू को हम पलटते रहेंगे ताकि आलू हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। आलू अगर आप परफेक्टली बॉयल करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा फ्राई करते वक्त। और इसी तरह से आलू को हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। और इसमें हल्का सा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल इस तरह से देखिए, आलू जब इस तरह से फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम मसाले डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मसाला हम इसमें डालेंगे। मसाले की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ ही काला नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि बॉईल करते वक्त हमने इसमें नमक डाला था। अब सारे चीज़ों को मिलाते हुए इसे हम और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम चिली पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसीनेस पसंद है तो ऐड कर सकते हैं। और 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर आलू के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ही थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से आलू के साथ मिला देंगे। हमारा मसाला आलू फ्राई ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और देखिए बिल्कुल इस तरह से मसाले से लोटपोट आलू आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, इससे एक खट्टापन आएगा। अब इसे भी हम आलू के साथ मिला देंगे और ये हमारा मसाला आलू फ्राई तैयार हो चुका है। एक भी आलू नहीं टूटेगा। अब हम आलू को गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करेंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।